हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक नंबर। चलिए, हम भी बहुत अच्छे हैं। और अगला लेक्चर आ गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 6th पार्ट। धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, तो अभी तक हमने आपको क्या पढ़ा दिया, जस्ट एक रिकाप कर लेते हैं। व्हाट यू हैव सीन, जस्ट रिकाप। ओके, चलिए। तो आजकल हम डायलॉग वायलॉग मारना बंद कर दिए। हम सोचते हैं उतने टाइम में कुछ रिकैप करा दें, क्या फायदा तो हो ही जाएगा। आपको नाम तो याद हो गया होगा। यस, याद हो गया, विकास सर, विद्यास्थली वाले। ओके, गुड। तो हमने आपको पढ़ा दिया चार्ज का फॉर्मूला, एनी कूलम्स लॉ पढ़ा दिए, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R² उसके बाद किसी दूसरे मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R² ओके। इसके बाद क्या पढ़ा हमने, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको करोगे परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर, या अगर फोर्स में करोगे तो उल्टा है, फोर्स परमिटिव मतलब एयर वाला अपॉन में मीडियम वाला फोर्स, ठीक है? ओके, इसके बाद सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, टोटल फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर फोर्सेस अप्लाइड ऑन दैट चार्ज। ओके, वेक्टर सम, वेक्टर लिखे। उसके बाद पढ़ाया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यहीं पर आर कैप लगा लो बस, और कुछ नहीं था। और क्या पढ़ाया था, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चेस चार्ज। उसके बाद पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R² ओके। उसके बाद पढ़ा डायपोल मोमेंट, P इक्वल टू Q इनटू 2A। उसके बाद हमने पढ़ा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन X³। याद होगा एक्सियल पे डबल है और इसका आधा इक्विटोरियल पे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन X³। पिछले क्लास में हमने इतना पढ़ाया था। अगर मिड पॉइंट पे पूछा जाए, यहां पे A³ आ जाएगा। मिड पॉइंट पे क्या आ जाएगा, A³। चलो, तो ये मिटा देते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम। चलो बच्चों, तो अगला आज हम लोग पढ़ रहे हैं टॉर्क, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस हेडिंग का क्या मतलब हुआ कि आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मतलब जो हर जगह एक जैसा हो, और उसमें एक डायपोल को रख दिए। तो डायपोल पे क्या कर रहा है, टॉर्क लगा रहा है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन डायपोल एंड डायपोल पे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, किसी भी वस्तु को रोटेट करती है, यानी रोटेटिंग फोर्स, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो रोटेटिंग फोर्स समझो, जो चीज घुमाने वाले फोर्स को बोलते हैं टॉर्क, और चलाने वाले फोर्स को बोलते हैं फोर्स, जो ट्रांसलेशनल मोशन कराता है, ठीक है बच्चों? तो अब क्या करना है, आपको एक डायपोल लेना है। चलो ले लेते हैं, ये है डायपोल मेरे पास, यहां पे बनाते साइड में, ये एक डायपोल है, ठीक है? डायपोल कैसा मानते, पहले -Q बाद में +Q। इसका ये सेंटर हो गया, हर चीज सेंटर से नापना है। कितना दूरी होता है इसका, 2A डायपोल का लेंथ। और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। यूनिफॉर्म का मतलब वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो सब जगह एक जैसा हो। उसको दिखाया कैसे जाता है, पैरेलल और इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन से। यानी ये पैरेलल और इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइन क्या बता रहा है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। ई फील्ड लाइन क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन भी पता चल रहा है, इधर है। अब इससे थीटा एंगल बना करके हमने इसको रख दिया डाइपोल को कुछ एंगल से। क्यों थीटा से रखे, जीरो से क्यों नहीं रखे, 90 से क्यों नहीं रखे, तो वो स्पेशल केस होगा। कोई बोला जीरो क्यों रखे, थीटा कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, थीटा मानो। बात समझ में आ रही? तो थीटा एंगल बना के हमने इसको रख दिया है। अब क्या होगा, अब सीधी सी बात है, ये घूमेगा नहीं घूमेगा, तो टॉर्क घूमती हुई वस्तु पे होता है। तो पहला बात तो हमको यह साबित करना होगा कि घूम रहा है, बिना बताए ये घूम रहा है, सब बोल दे घूम रहा है। कोई बोला कहां दिख रहा है घूमते, ये तो रुका हुआ है, हम क्यों मान ले, घूमने के लिए कुछ होना चाहिए भाई, जो घुमा रहा हो उसको घुमाते हैं पहले। तो घुमाने के लिए फोर्स चाहिए भाई, दुनिया में कुछ भी मोशन करो फोर्स की बात करो, फोर्स। चलो तो फोर्स तो हम लोग जान रहे हैं, तो फोर्स ऑन ए चार्ज तुमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या का फॉर्मूला होता है, F/Q₀। अगर F इक्वल टू क्या निकालोगे, Q₀ × E, यानी किसी भी चार्ज पे इतना फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये एक चार्ज है, इस पे फोर्स कितना लगेगा, Q₀ × E। डायरेक्शन देखो, अब डायरेक्शन देखना, जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो माइनस चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स, देखो फोर्स का फॉर्मूला है क्यू इंटू ई, ध्यान समझना क्यू इंटू ई, चार्ज माइनस में है यानी फोर्स क्या हो गया अपोजिट, इधर इस पे इधर फोर्स लगेगा एफ वन माइनस क्यू ई, माइनस साइन क्या बता रहा अपोजिट डायरेक्शन, इस पे किधर फोर्स लगेगा इधर, कितना प्लस क्यू ई एफ टू, ध्यान से समझो। अब इसके दोनों किनारे पे फोर्स लग रहा है, दोनों अपोजिट के हुए, इस पे माइनस पे है तो इधर, प्लस पे इधर, नहीं समझा तो हम तुमको आइडिया बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस लिया जाता है, ऐसा मानो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे लिया था, प्लस से माइनस, यानी इधर प्लस चार्ज है इधर माइनस चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, यानी यहां प्लस चार्ज है यहां माइनस है, बताओ फोर्स किधर लगे, इधर अट्रैक्ट, प्लस माइनस अट्रैक्ट, ठीक है, और यहां पे माइनस है इधर प्लस है तो इधर जाएगा, अब तो समझ रहा होगा, ऐसे समझो, नहीं तो ऐसे भी समझो एफ इक्वल टू क्यू ई, माइनस साइन है तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ई का डायरेक्शन वही एफ का, लेकिन माइनस है तो अपोजिट हो गया, एफ अपोजिट उसमें सेम। यानी अब हमारे पास ये एक पेन है, ध्यान से इमेजिन करना, ये एक पेन है और पेन को हम यहां से धागा बांध के और यहां से धागा बांध के दो लोग खींचे सेम फोर्स से, तो क्या होगा ऐसे घूम जाएगी, चाओ चाओ फील हुआ नहीं हुआ, ये देखो ये पेन है, इधर कोई खींच रहा है इधर कोई, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो इसको एक साथ, ये घूम जाएगा, ये घूम के यहां रुक जाएगा, नहीं ये आगे बढ़ जाएगा इनर्सिया से, यानी ऐसे रोटेट कर जाएगा, ये पूरा नहीं घूमेगा, पूरा नहीं घूमेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा, टिंग 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 टिंग, बताएंगे क्यों, टेंशन मत लो। तो पहले बात हुई कि घूमा क्या, सर्कुलर मोशन होने के लिए बस टर्न होना जरूरी है, थोड़ा सा भी घूम गया एक डिग्री एंगल भी तो हम बोल देंगे घूम रहा है सर्कुलर मोशन। तो अब बात है कि ये फोर्स इसको इधर नीचे की तरफ खींचना चालू करेगी और ये फोर्स इसको ऐसा ऊपर और इसको ऐसे घुमाने लगी, टक 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 टक, सक सक शक्तिमान शक्तिमान, पूरा नहीं घूमेगा आप देखो पूरा क्यों नहीं घूमेगा, जब ये डायपोल यहां पर है, ध्यान से फील करो, यहां बता रहे, जब ये डायपोल यहां पर है इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स, ये ऐसे घूम गया झटके में, मान लो एक रॉड है ऐसे ऐसे इसको मारा जाए, ये रॉड घूम के यहां तक आएगी, यहां रुकेगी नहीं, यहां पे आके फोर्स जीरो हो गया, क्यों, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, टोटल जीरो, लेकिन रुकेगी नहीं, इनर्सिया है, थोड़ा दूर घुमाती है, इनर्सिया क्या होती है, घूमते रहने की टेंडेंसी, मोशन की टेंडेंसी, ये थोड़ा आगे चला गया, जैसे वो नीचे जाने लगा फोर्स तो इधर ही लगेगा और ये फोर्स इधर, अब सोचो कोई रॉड है उसमें अब इधर खींचना है, यानी या भी जब जैसे ही यहां से नीचे उतरेगा तो फोर्स इधर जाने लगा, यानी इसको रोकने लगेगी, धीरे धीरे स्लो होते 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 यहां रुक जाएगा, फिर यहां पे ये वापस ऐसे खींच रही है टंग, फिर यहां पे ये इधर खींच रही है टंग टंग डंग 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 डंग, समझ में आ गया, ओहो तो ऐसा होगा भैया, ये जिंदगी इसकी घूमने लगेगी। चलिए तो हमने निकाल दिया सब चीजें, लिख लेते हैं, देखो फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स एफ वन नाम दिया हमने, कितना आएगा माइनस क्यू ई, किधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई, क्यों अपोजिट है भाई, क्योंकि देखो ई वेक्टर है एफ वेक्टर है, जो ई का डायरेक्शन वही एफ का, लेकिन यहां माइनस है तो इसको कैसे पढ़ते, देखो एफ इक्वल टू अपोजिट, फिजिक्स में माइनस को अपोजिट पढ़ देता है, फोर्स इज ऐसा, फोर्स इज अपोजिट ऑफ ई, हा हा पढ़ लिया तुमने ना, ऐसे पढ़ते। अगला फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज एफ टू, एफ टू बताओ क्या होगा, प्लस क्यू ई, प्लस है मतलब फोर्स इज सेम डायरेक्शन ऑफ ई, यानी सेम डायरेक्शन ऑफ ई, ई के सेम डायरेक्शन में लग रहा। अब एफ वन और एफ टू मिलके एक जोड़ा कपल बनाएगा, कपल, अब कपल क्या होता है ध्यान सुनना, किसी भी वस्तु को घूमने के लिए याद रखना, तुमने अगर 11th पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, सर्कुलर मोशन वहां पढ़ाया जाता है कि रोटेशन के लिए या टॉर्क बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक एक आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल मतलब, आर्म ऑफ कपल मतलब दो पेयर ऑफ फोर्स होना चाहिए इक्वल और अपोजिट, दो पेयर ऑफ फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, अलग अलग पॉइंट पे लगना चाहिए, एक ही पॉइंट पे भी नहीं लगना चाहिए, मान लो ये रॉड है इसको यहीं से इधर खींचे, ये एक रॉड है इसको हम इधर खींचे इधर खींचे, किधर जाएगी बराबर फोर्स, नहीं जाएगी, घूमेगी नहीं घूमेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, अब बताओ अब ये घूमने लगी, यानी टू इक्वल फोर्स होना और थोड़ा अलग अलग पॉइंट पे लगना चाहिए, नहीं तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा तरीका है घुमाने का, हम बता दे रहे ध्यान सुन लो 11th क्लास है,
दूसरा तरीका होना चाहिए कि एक रॉड है, इसको यहां पे बांध दो दीवार में और फिर एक ही फोर्स लगाओ। समझ गया होगा, ये रॉड को दीवार में से खिल्ला से ठोक दो ठक 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 और यहां पे इसको फोर्स लगा। अभी दो फोर्स लगा, नहीं नहीं दो फोर्स नहीं लगा, एक ही से काम हो गया। क्यों? एक जगह पॉइंट हिंज्ड है, बंधा हुआ है। दो तरीका है चीजों को घुमाने का, फील हो गया ना। तीसरा तरीका है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कोई तीन तरीका नहीं घुमाने का, दो तरीका। दो में से ये तो यहां है नहीं भाई, ये वाला लग गया, दो फोर्स होना। तो देखो यहां पर वही लिख रहा है, देखो F1 एंड F2 फॉर्म्स कपल ऑफ फोर्स विच विल रोटेट डायपोल। जो डायपोल को क्या करेगा? रोटेट करेगा। कौन से डायरेक्शन में? zig 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 zig
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो डायग्राम मेरा बना है वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है ऐसा। एक घड़ी देखा होगा तुमने, 12, 1, 2, 3 इधर चलता है ना, डक 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 डक। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पलट दे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, यानी इसके घूमने का दिशा किससे पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके चलो आगे आप समझते हैं। अब टॉर्क का फॉर्मूला, देन तब क्या होगा, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हैव टॉर्क, तब घूमते हुए वस्तु पे टॉर्क होता है और टॉर्क का सिंबल है टाउ। टॉर्क का क्या फॉर्मूला है बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कपल ऑफ फोर्स, जो फोर्स लग रहा है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, यहां पर ए, यहां पर बी नाम दे दो और यहां पर एन दे दो। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर के लिए हमने क्या किया, ड्रॉ खींच दिए बी एन परपेंडिकुलर ऑन ए एन, ए एन पे बी एन परपेंडिकुलर खींच दिए। तो तुम्हारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, कोई भी फोर्स ले सकते हो, दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है, साइन लेना ही नहीं है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया बी एन। फोर्स का वैल्यू बताओ कितना है, क्यू ई मैग्नीट्यूड, बी एन बताओ, देखो ये पूरा टू ए है, तुम पढ़ोगे सटा तो कॉस हटा तो साइन, ये थीटा से सटा हुआ है तो कॉस लगेगा, ये हटा हुआ है तो क्या लगेगा साइन थीटा। नहीं समझा, चलो यहां बताते, तो ये थीटा है, डांस देखो जिसको नहीं समझा, यह हाइपोटेनस टू ए है, ये थीटा है, ये आपको चाहिए, ये बी एन है आपका, ये आपको चाहिए, तो बताइए साइन थीटा लगाइए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी बी एन अपॉन हाइपोटेनस यानी टू ए, तो बी एन कितना आएगा यहां से बताओ, इधर साइड में लिख लो, समझ गया होगा। तो टाउ का वैल्यू आ गया, एफ का वैल्यू कितना डाला था हमने क्यू ई, और इसका वैल्यू कितना आ गया टू ए साइन थीटा। अब q इंटू टू ए को क्या लिख दो, p, हमने बोला डायपोल के हर डेरिवेशन में p आना चाहिए, डायपोल के हर डेरिवेशन में क्या आना चाहिए बच्चों, p आना चाहिए। तो टॉर्क इक्वल टू p समझ गया, और e और साइन थीटा, p कहां से है भाई, तो q इंटू टू ए दिख रहा है ना, अरे ये क्या q और ये टू ए भाई, इसको p लिख दिया हमने। अब ये चीज मेन फॉर्मूला हो गया p साइन थीटा। अब तुमने एक चीज पढ़ा होगा, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर होता है, तो टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी सबको पता है। चलो अब आगे टॉर्क के बारे में बात करते हैं, तो टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। इसको समझो, एक रूल है, तुमने पढ़ा होगा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें ए और बी आता है,
नहीं पढ़े क्या? देखो हम यहां सिखा रहे, कहां सिखा दे यार, हेडिंग मिटा दे क्या, ये मिटा दे। तो मेरे पास ये एक प्लेन है, एक सीट है, इस सीट में दो वेक्टर आ गया ए और बी, ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, नहीं मतलब कुछ भी एंगल है यार, थीटा है, कोई जरूरत नहीं। अब ए क्रॉस बी कैसा होगा, ध्यान सुनना, राइट हैंड थंब रूल से निकलता है, ए से बी की तरफ हाथ फोल्ड करो थंब बताएगा डायरेक्शन, तो थंब कहां डायरेक्शन बता रहा है, ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ किसका डायरेक्शन हो जाएगा, ए क्रॉस बी का। उसी तरफ देखो टॉर्क पी और ई का क्रॉस है, यानी पी और ई जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर किसका डायरेक्शन आएगा, ए क्रॉस बी का। चलो टॉर्क का डायरेक्शन निकालने आ गया, नहीं आया तो चलो तो भी हम सिखा रहे हैं, ध्यान सुनेंगे, पी किधर है, इधर, पी वेक्टर इधर होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इधर ले लो, पी से ई, ई इधर है, इधर इधर तो हाथ क्रॉस होगा, तो ऐसे हाथ घुमा लो, क्यों घुमा लिए, हमको राइट हैंड थंब रूल से निकालना है, यूज राइट हैंड थंब रूल, तो पी के तरफ हाथ कर लो, पी क्रॉस ई, देखो पी से ई के तरफ क्रॉस करो, क्रॉस यानी हाथ मोड़ना, पी किधर है, इधर इधर, और ई थोड़ा सा इधर झुका हुआ है, समझ रहा है, ई सीधे में, पी तो टेढ़ा है, तो ऐसे ऐसे हाथ क्रॉस करो, टॉर्क कहां जा रहा, इनवर्ट, टॉर्क कहां जा रहा, अंदर की तरफ, जी हां टॉर्क कहां जा रहा, अंदर की तरफ, ये गोल गोल घूम रहा है ऐसे, टॉर्क अंदर। अब एक बात याद कर लो तुम, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, टॉर्क अंदर, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, टॉर्क बाहर, समझ गया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अंदर, टक 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 टक, ठीक है। अब तुमको हम बताते हैं कि टॉर्क अंदर है, समझ में आ रहा है, पी किधर है, इधर है, ई किधर है, इधर है भाई, इस पी के डायरेक्शन को इसीलिए माइनस क्यू से प्लस क्यू लिया गया, क्योंकि टॉर्क क्लॉकवाइज आना चाहिए, कोई बोला क्यों सर, क्योंकि जब वस्तु क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज, तो इनवर्ट टॉर्क आएगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टॉर्क कहां आएगा, इनवर्ट, 11th में पढ़ाया गया होगा, वस्तु क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनवर्ट टॉर्क आएगा, ये देखो अंदर की तरफ टॉर्क, टॉर्क अंदर बनाने के लिए पी किधर होना, इधर, और ई किधर होना, इधर। मान लो किसी ने पी का डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस क्यू ले लिया होता तो टॉर्क का डायरेक्शन गलत हो जाता, यानी टॉर्क पहले से पता था सबको, टॉर्क प्री डिफाइंड क्वांटिटी है, मतलब हम लोग पहले मैकेनिक्स में पढ़े थे, यानी टॉर्क का डायरेक्शन हमको पता है, अब टॉर्क दो वेक्टर से बना, इन दोनों का डायरेक्शन सही होना चाहिए तभी टॉर्क का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से माइनस था, तो पी को जानबूझ के माइनस से प्लस लिया गया ताकि पी क्रॉस ई करके टॉर्क अंदर बने, याद रखना इस बात को, याद रखना कि ये टॉर्क को सही करने के लिए पी का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू लिया गया था, नहीं तो टॉर्क का डायरेक्शन गलत आता, ठीक है। तो टॉर्क का डायरेक्शन आपको पता चल गया, पी और ई के परपेंडिकुलर, पी और ई जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर, क्यों भाई, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा जिस प्लेन में ए और बी होता है, जैसे मान लो ये मोबाइल है मेरे पास, इस मोबाइल के प्लेन में दो वेक्टर बना लो, ये देखो टंग टंग ऐसा, ये दो वेक्टर बना लिए, अब टॉर्क इसमें जो होगा इस मोबाइल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन माना जाएगा, कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है, अगर तुम जान रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे तो जानो। चलो तो टॉर्क मिल गया, पी क्रॉस ई याद रखो या पी साइन थीटा याद रखो, बहुत अच्छा है, पी साइन थीटा भी याद रख सकते हो। अब कुछ इसमें स्पेशल केस करेंगे हम लोग, ठीक है, स्पेशल केस क्या करेंगे देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला सुनो कि इफ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, और डाइपोल आपने स्टार्टिंग में ऐसा रख दिया, अभी आप हम बोले थे शुरू में क्यों नहीं रखे, मान लो रख दिए तो थीटा कितना बताओ, जीरो, पैरेलल के बीच दो पैरेलल के बीच एंगल जीरो होता है, तो टॉर्क कितना बनेगा, पीई साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, नो टॉर्क नो रोटेशन, अब ये घूमेगी नहीं, तो इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब आपको समझता होगा, वहां से थोड़ा भी हिला के कोशिश करोगे वापस उसी जगह पे आना चाहिए, सिखाया था हमने, इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा जगह जहां से किसी वस्तु को अगर डिस्प्लेस कर दे तो वापस उसी जगह पे आ जाए,
झूला 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 झूला, रॉड का एग्जांपल दिया, डिंग 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 डिंग। तो देखो इसको ये कैसे वापस आ जाएगा, डायपोल ऐसे रखे हो, अब तुमने क्या किया इसको ऐसे धकाल दिया, अभी हम सिखाएं, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वापस खींच के ही लाएगी, फिर ये आगे इनर्शिया चल जाएगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखना इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायपोल को क्या करना चाहती है, अपने तरफ घुमाना चाहती है, अपने तरफ ऐसे, दे आर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अरेंज डायपोल पैरेलल टू इटसेल्फ बिकॉज इट इज इक्विलिब्रियम पोजिशन, यानी जैसे यहां आएगा इनर्शिया से आगे बढ़ जाएगा, फिर यहां आएगा फिर इनर्शिया से आगे, लेकिन चाह रहा यही आना, यहां तो आएगा ही आएगा, तो व्हाट इज स्टेबल पोजिशन, जिस पोजीशन से अगर वस्तु को हम किधर भी हिला दे लेफ्ट या राइट वापस उसी जगह आ जाए फोर्स खींच के उसको लेके, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता था, अनस्टेबल, अभी स्थिर है तो इक्विलिब्रियम है, धकेल दिए वापस आएगा नहीं, अनस्टेबल। चलो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये मिनिमम टॉर्क भी हुआ, यानी मिनिमम टॉर्क कब लगेगा, जब पैरेलल रखोगे, याद रखना ये वन मार्क क्वेश्चन हो सकता है। अगला, इफ अगर डायपोल को, इफ डायपोल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डायपोल को हमने ऐसे रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, शुरू में माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू पे फोर्स इधर, प्लस क्यू पे फोर्स इधर, खींच के इसको ऐसे घुमा देगा बहुत तेजी से, तब देखो थीटा कितना बताओ 90 डिग्री, थीटा कितना यही है, समझ रहा है ना, थीटा 90 डिग्री, तो टॉर्क बताओ PE साइन 90, तुमको याद होगा साइन 90 का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम, तो टॉर्क आ जाएगा PE, और ये मैक्सिमम टॉर्क होगा मैक्सिमम, तो टाउ मैक्सिमम कितना आएगा भाई, PE आएगा, कब आएगा जब परपेंडिकुलर रखेंगे, टाउ मिनिमम कितना आएगा जीरो, कब रखोगे जब पैरेलल। अब तीसरी बात सुनो, नेट फोर्स ऑन डायपोल, नेट फोर्स ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी भी वस्तु पे नेट मतलब टोटल, टोटल मतलब क्या करते हैं, जितने भी फोर्स है सबका वेक्टर सम करते हैं, तो नेट फोर्स निकालते हैं, तो इस पे दो फोर्स है F1 और F2 को माइनस करेंगे क्योंकि अपोजिट है, तो कितना आ रहा QE माइनस QE बताओ, जीरो 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 जीरो, कोई बोलेगा सर माइनस QE लो, तो माइनस लोगे तो हम वेक्टर सम कराएंगे, बात वही होगा, माइनस QE प्लस QE जीरो, यानी नो नेट फोर्स, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो सो नो ट्रांसलेशनल मोशन, सो नो ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब देखो दो प्रकार का मोशन होता है, सर्कुलर ट्रांसलेशन, फील करो, फील करो, चीजों को घुमाता कौन, टॉर्क, चीजों को चलाता कौन, फोर्स, टॉर्क कहां से पैदा हुआ, फोर्स से हुआ भाई, फोर्स से हुआ, लेकिन फोर्स लगने का शर्त है उसमें कपल लगना चाहिए, दो लगना चाहिए, वो सब बात भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो वैसा समझो चीजों को घुमाता कौन, टॉर्क, टॉर्क है तो घूमेगा, फोर्स है तो चलेगा, सिर्फ टॉर्क है तो सिर्फ घूमेगा, सिर्फ फोर्स है तो सिर्फ चलेगा, टॉर्क और फोर्स दोनों है तो घूम घूम के चलेगा या चल चल के घूमेगा। अब देखो यहां पे नेट फोर्स कितना है, जीरो, बट टॉर्क जीरो है नहीं, थीटा की बात कर रहे हैं, टॉर्क जीरो नहीं, यानी यूनिफॉर्म में डाइपोल घूमेगा लेकिन चलेगा नहीं, नो ट्रांसलेशन मोशन, बट रोटेट, लेकिन रोटेट करेगा ड्यू टू टॉर्क। अब तीसरा नोट अपने मन से लिख लो, चौथा, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहां पे अलग, देखो फोर्स को देखो, क्यू इंटू ई, मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहां E2, तो टोटल फोर्स जीरो होता क्या, नहीं, माइनस होता लेकिन जीरो नहीं होता, क्योंकि दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखना कि इन नॉन यूनिफॉर्म, ये क्वेश्चन आ सकता है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल, डायपोल पे नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा और नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, सो इसका मतलब ये क्या कराएगी, ट्रांसलेशन कराएगी, और ये क्या कराएगी, रोटेशन, यानी डायपोल ट्रांसलेशन भी करेगा और रोटेशन भी करेगा, कैसे सर हमको समझ नहीं रहा, ओके देखो जिग 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 जिग, हाँ इसको ट्रांसलेशन रोटेशन बोले,
घूम भी रहा है आगे भी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, घूमो रे की जगह पर घूमो क्यों, क्योंकि आपको आगे खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है। समझ गया होगा, ट्रांसलेशन मोशन कराने के लिए नेट फोर्स होना जरूरी है और रोटेशन मोशन कराने के लिए नेटवर्क होना जरूरी है। तो यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म में अगर तुमने डाइपोल को रखा तो डाइपोल सिर्फ घूम सकता है चल नहीं सकता, और अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखे तो डाइपोल घूमेगा भी चलेगा भी, दोनों मोशन मिला करके करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रोटेशन लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है रोटेशन, देखो थोड़ा सा कट गया है वही देख रहे थे। तो ये टॉपिक हो गया खत्म। आई थिंक हमने आपको टॉर्क बहुत अच्छे से समझा दिया है, सारी बातें क्लियर कर दी है। सही बोल रहे हैं क्या? यस सर, आप सही बोल रहे हैं। सब तो आप खुद ही बोलते हो, क्यों पूछते हैं हम लोगों से, आदत हो गई है। चलो अगला करना है वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग या रोटेटिंग डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब समझते हैं इसको, तो इसको समझना ज्यादा जरूरी है। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान सुनना, हमने इसमें एक डाइपोल को रख दिया, ऐसे ऐसे रख दिए, ऐसे मत रखो यार, ऐसे रखो, कुछ एंगल बना के रख दिए, टक 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 टक, एक सम एंगल थीटा वन, ध्यान सुनना। अब इसको छोड़ दो, क्या होगा, अभी पड़े थे, डाइपोल घूमेगा, डैंग 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 घूमने लगेगा, हाँ डाइपोल। लेकिन हम अब क्या करेंगे कि हम इसको ऐसे छोड़ देते, ये घूमेगी, तो बताओ वर्क डन कितना, हमने कितना वर्क डन किया, ठेगा काय का वर्क डन तुमने किया, तुमने तो कोई काम ही नहीं किया यार। काम कब होता है, जब तुम फोर्स लगाते हो। क्या हमने फोर्स लगाया? नहीं, ये जो भी काम था वो किसने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ने कर लिया। उसका डेरिवेशन करना है? नहीं 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 नहीं, नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको कोई इधर खींच के घुमा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर घुमाने की कोशिश कर रहा, हम ऐसे धकेलेंगे, बाहुबली देखो, इसको ऐसा धकेल के हम इधर घुमाने की कोशिश करेंगे, मतलब अगेंस्ट द फोर्स यानी टॉर्क, यहां टॉर्क की बात करना है क्योंकि घूम रहा है तो टॉर्क होगा, यानी ये घुमाने वाली टॉर्क इसको क्लॉकवाइज ले रही थी, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मजबूती से घुमा रहे हैं। अब तो काम कर रहे हैं ना? हाँ बहुत काम किए, थक गए सर। काम किए कि नहीं किए? किए। क्यों? क्योंकि तुमने अगेंस्ट द फोर्स काम किया, नहीं समझा, ये पत्थर लो छोड़ दो, गिर गई, कितना काम किए, ठेंगा तुमने गिराई, जमीन खुद ही खींच के गिरा लिया, अब पत्थर को उठा, बहुत काम किए, क्यों? क्योंकि तुमने पृथ्वी के अगेंस्ट द फोर्स उठाया। ट्रांसलेशन है तो फोर्स की बात करेंगे, रोटेशन है तो टॉर्क की बात करेंगे। ओके, समझ गया होगा? नहीं समझा सर, फिर से। यहां पर वर्क डन करने के लिए हमको डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का, ये डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम तो अपना बदल सकते हो, देखो रटना नहीं है, यानी आप तुम इस हेडिंग को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम कि वी आर रोटेटिंग डाइपोल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काहे कि वो पहले से क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने के लिए उसके पास टॉर्क है, हम जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वर्क डन होगा। वर्क डन होने के लिए फोर्स लगना चाहिए, मेरा फोर्स तभी लगेगा जब पहले से कोई उसको फोर्स खींच रहा हो। मान लो मेरा फोर्स ही नहीं लगे, अपने आप काम हो जाए तो काहे का वर्क डन बे, कोई वर्क डन हुआ, कोई एनर्जी खर्च हुआ नहीं ना, तो काहे का वर्क डन नहीं होगा। यानी हम इसको एंटी क्लॉकवाइज जैसा मजबूती से घुमा, ये जा रहा है इधर लेकिन हम इसको ले जाना चाहते हैं इधर, ये जा रहा है इधर हम ले जाना चाहते हैं, ऐसा जोर से धक्का मारेंगे फिर वो जाएगा। क्लियर हो गया? बताओ कौन वर्क डन किया? हमने एक्सटर्नल एजेंट, इसका ही डेरिवेशन करना है। तो अब हम इसको घुमा करके, मान लो ऐसा बहुत मजबूत इंसान है हम, है तो नहीं फिर भी मान लो, तो ऐसे यहां ला दिए धकालता धकालता, और अब एंगल कुछ बदल गया होगा और ये एंगल हो गया थीटा टू, कैसा लगा? पहले से थीटा वन हमको नहीं पता एंगल, इसीलिए थीटा वन टू मान रहे, थीटा नहीं मान सकते, दो एंगल है तो कुछ एंगल पे है। क्यों कुछ पे है? तुम शुरू में जीरो पे रख दिए तो, अबे जीरो पे रख दिए तो भी होता था वर्क डन, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है क्योंकि वहां जीरो पे तुम रखोगे तो अभी तो ये इस पे टॉर्क नहीं लग रहा, जबकि जैसे तुम थोड़ा सा भी घुमाने की कोशिश करोगे टॉर्क इसको इधर खींचने लगेगा, फिर हमको मजबूती से फोर्स लगाकर ऐसे घुमाना पड़ेगा, वो भी करेंगे स्पेशल केस में, जीरो नाइनटी स्पेशल केस में आता भाई। तो देखो ध्यान से सुनेंगे, कहानी क्या है कि एक डाइपोल है, एक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट इन क्लॉकवाइज
ड्यू टू किसके वजह से? टॉर्क की वजह से. नाउ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट. याद रखना सब बातें. वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट डाइपोल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यानी हम डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं. हम मतलब एक्सटर्नल एजेंट. तुम भी घुमा सकते हो यार, तुम भी एक्सटर्नल हो, बुरा मत मानो. मेरा नाम है सर. तो अब हम इसको घुमा रहे हैं खाए से फ्रॉम थीटा वन एंगल टू थीटा टू. देखो एंगल प्लस में लिया गया. क्यों प्लस में? क्योंकि एंगल एंटी क्लॉकवाइज नापोगे तो प्लस, अगर क्लॉकवाइज रहता तो एंगल माइनस में लेते, इसीलिए बात कर रहे हैं हम. तो चलो वर्क डन चाहिए. तो तुमको याद होगा 100 बार हमने ये कहानी किया गया है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये कब होता है? जब फोर्स कांस्टेंट हो. अगर फोर्स वेरिएबल हो, जब तुमको पता ही है सारे फोर्स वेरिएबल है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो dW निकाला जाता है. कैसे? F into dx. अब ट्रांसलेशन के लिए है, रोटेशन होगा तो यहां पर फोर्स की जगह टॉर्क आएगा, तो dW. देखो तो ऐसा लिख लो, स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग डी थीटा. छोटा सा वर्क डन जो थीटा एंगल से डी थीटा से घुमाना है, तो dW इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा. ध्यान समझ लेना, टॉर्क इंटू डी थीटा. ओके समझ रहा है. तो dW का अब हमको टोटल वर्क डन चाहिए. कहां से कहां तक घुमाए हो इंटीग्रेट कर दो. ये तो कहानी बचपन से पढ़े होंगे. W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tau इंटू डी थीटा फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू. नहीं फील हुआ? कोई पहला न्यू कमर है तो थोड़ा सा उसको समझाने दो यार. बहुत सारे बच्चे ना जान रहे हैं मेरे, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं क्लास में. जो नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे लोग पहली बार भी तो लेक्चर देख रहे होंगे. बहुत समझाते हैं तुमको. याद रखना इस बात को कि अगर वस्तु ट्रांसलेशन कर रही हो तो टॉर्क के जगह फोर्स आएगा और एंगल के जगह डिस्प्लेसमेंट आएगा. ओके कभी भी वर्क डन एकदम दिमाग में डाल लो यार. तुम कॉन्स्टेंट रहे कॉन्स्टेंट रहे कभी भी यही फॉर्मूला लगेगा. यही फॉर्मूला यानी डीडी वाला ही लगाना. क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला सब जगह चलेगा. लेकिन तुम्हारा जो W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो ना, वो बच्चा में चलता था नौवीं में, जहां पे फोर्स होता था कांस्टेंट. इस दुनिया में कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है. फोर्स तो बदलता है, कभी कभी दूरी पे चेंज होता है. दूरी कम ज्यादा करो, चार्ज कम ज्यादा करो, समझ रहा हूं. तो वेरिएबल फोर्स जो होता है उसके लिए वर्क डन आपको छोटा पहले dW निकालना है, फिर टोटल के लिए इंटीग्रेट करना है. dW से W के लिए आपको इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब ऐड होता है मैथ में, यानी छोटे छोटे वर्क डन को निकाल के सबको ऐड करना है. कहां से कहां तक? थीटा वन से थीटा टू. ये आप पे निर्भर है. बहुत आसान है. टॉर्क का वैल्यू पुट कर दो. टॉर्क कितना है यार? अभी तो किए थे. टॉर्क क्या है? पीई साइन थीटा और डी थीटा. ये कांस्टेंट है क्योंकि थीटा का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो थीटा वाला वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट. तो dW इक्वल टू पी बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू साइन थीटा और डी थीटा. कैसा लगा? अच्छा लगा सर. साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चो बोलो. नहीं पता सर? नहीं पता सर. डिफरेंशिएशन पता ना? हाँ सर पता है. तो चलो बताओ मेरे को, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता था? सॉरी कॉस एक्स जो भी था. कॉस का क्या होता था? माइनस साइन. याद होगा सी आता तो माइनस, तो इंटीग्रेशन इसका करो तो ये आएगा, माइनस साइन इधर आ जाएगा. माइनस उधर नहीं रख, इधर रखेंगे. तो कॉस थीटा का साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट थीटा वन से थीटा टू. तो dW इक्वल टू आ जाएगा p. देखो कभी भी अगर यहां माइनस होना, देखो रूल ये है, पहले अपर लिमिट रखो बाद में लोअर, माइनस करो. लेकिन अगर यहां माइनस है तो तुम उल्टा कर लो, क्योंकि कॉमन हो जाएगा माइनस. तो पहले लोअर लिमिट यानी cos थीटा वन माइनस cos थीटा टू. नहीं समझा? देखो तुम पहले ये रखते तो माइनस में आता, बाद में ये रखते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता. तो हमने ऐसे रख लिया. ये वर्क डन हो गया. हम किसी एंगल से किसी एंगल पर घुमा रहे. सर ये किसी किसी को इतना है, तो अब हम बताते तुमको कि किसी एंगल से कितना घुमाना है. तो अब स्पेशल केस चलेगा बच्चों. स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस में फीलिंग आता है. पहला स्पेशल केस चलेगा कि इफ यदि डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल
पैरेलल टू ई इनिशियली, मतलब शुरू में डायपोल को ऐसे रखे थे और बाद में ऐसे टंग घुमा दिए थोड़ा सा, ये ऐसे रखे थे घुमा दिए, तो थीटा वन शुरू वाला एंगल जीरो डिग्री हो जाएगा और बाद वाला एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, तो बताओ वर्क डन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पीई कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा, कॉस जीरो वन होता है तो वर्क डन हो गया पीई वन माइनस कॉस थीटा। यह वर्क डन कब है, जब डायपोल ऐसे सीधा रखा था और तुम एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमाए कुछ एंगल 30 डिग्री 20 डिग्री। दूसरा अगर मान लो जीरो से 90 घुमा दिए, जीरो से कैसा घुमा दिए 90 ऐसा, तो इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, कौन से डायरेक्शन में सब चल रहा है, एंटी क्लॉक, क्यों भाई, क्योंकि क्लॉक में घुमाओगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा ठेंगा, क्योंकि तुमने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, नो फोर्स नो वर्क, सॉरी नो टॉर्क नो वर्क। तब टाउ इक्वल टू थीटा वन का वैल्यू जीरो और थीटा टू का वैल्यू, बताओ थीटा टू का वैल्यू 90 डिग्री, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू ई कॉस जीरो माइनस कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है जीरो, एंड वर्क डन हो जाएगा पी इंटू ई। अब सुनो 180 डिग्री घुमा दिए तो जीरो से, तो हम क्या क्या कर रहे हैं समझ रहा है ना, पहले यहां से कुछ एंगल घुमाए, फिर यहां से 90 घुमाए, फिर यहां से 180 घुमाए, तो वर्क डन बताओ सबसे ज्यादा होगा, यहां पे मिटा दें इसको, तीसरा इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम 0 डिग्री, बोले मतलब पैरेलल रखा है ऐसे 0 डिग्री टू 180 डिग्री, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा पीई और थीटा वन कितना हो जाएगा जीरो और थीटा टू 180, कॉस 180 माइनस वन होता है सारे, हाँ माइनस वन, तो कॉस जीरो माइनस कॉस 180, कॉस 180 डिग्री कितना होता है माइनस वन, वैल्यू याद होगा ना कॉस का, कॉस जीरो वन कॉस 180 माइनस वन, नहीं याद है तुमको हम ग्राफ याद कराते, देखो हम बच्चों को तो यही याद कराते, कॉस का ग्राफ ये है, ये पीक वैल्यू को वन, ये पीक वैल्यू को माइनस वन जीरो, ये देखो ये जीरो डिग्री, ये नब्बे नब्बे का वन क्वार्टर 90 का होता है, ये जीरो पे वन और ये 90 डिग्री पे जीरो, फिर नौ, फिर यहां 180 पे माइनस वन, फिर 270 पे जीरो, फिर 360 पे प्लस वन, समझ गया होगा ना 90 का गैप है इसमें, ये कॉस का है ग्राफ, माइनस माइनस प्लस, तो वर्क डन हो गया 2PE, ये मैक्सिमम वर्क डन हुआ, यानी सबसे ज्यादा मेहनत, मतलब डाइपोल ऐसा है इसको पूरा इसको पलटी कर दो तो बहुत मजबूती मेहनत करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे घुमाना चाहेगा और आप जबरदस्ती घुमा रहे हो, तो आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, मैक्सिमम वर्क डन हुआ ये, मैक्सिमम इतना काम कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, मिनिमम कितना जीरो, घुमाओ मत ये छोड़ दो यही के यही, नहीं घुमा रहे मेरी मर्जी, नो वर्क डन जीरो वर्क डन, ठीक है, तो चलो आपको वर्क डन का भी फीलिंग आ गया होगा ना पक्का, कौन वर्क डन किया अपन, कैसे घुमाने में डायपोल को, किधर क्लॉक की एंटी क्लॉक, क्लॉक तो खुद घूम रहा था वो, हम उसको उल्टा घुमाए तो हमको मेहनत करना पड़ा, समझ गया होगा, ये पंखा चल रही है, देखो पंखा से याद रहा, पंखा ऐसे चल रही है, अब हम क्या करें चलते समय जाके इसको ऐसा ऐसा उल्टा घुमाने की कोशिश करें, तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पंखा खींच रही है अपने को इधर, अपन लेके जा रहे हैं इधर उसको, तो मेहनत करना पड़ेगा, ओके समझ गया। चलो अगला अब आएगा पोटेंशियल एनर्जी, क्यों आएगा, क्या हमने देखो एक एक रूल है, तुमने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सुने होगे बचपन से, यस सर बचपन से बुढ़े हो गए, तो क्या सुने हो कि एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता, अभी हमने काम किया हमारा एनर्जी खर्च हुआ, कहां गया वो एनर्जी, तो बहुत सीधी सी बात है, आप जब काम किए डाइपोल को घुमाए, उल्टा घुमा रहे देखो ऐसे डाइपोल को घुमाए, तो हमारा एनर्जी जाके डाइपोल में घुस के जमा हो गया, और डाइपोल में कौन सा एनर्जी जमा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, यानी डाइपोल का ऊर्जा बढ़ गया होगा, पावरफुल डाइपोल हो गया, समझ में आओगे, यही दुनिया का रीत है, आप दीवार को धक्का मारते हो तो क्या होता है, हमारा एनर्जी दीवार में चल जाता है, आप टेबल को धक्का मारते हो हमारा एनर्जी टेबल में चल जाता है, हमारा एनर्जी घटता है उसका बढ़ता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर, तो वह चीज करना पड़ेगा, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ाया जाएगा,
तो चलो अगला वही पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल ठीक है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की कहानी अलग है भाई, पूरी नॉन यूनिफॉर्म पढ़ना ही नहीं है, यानी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया डाइपोल को, उस पे कितना पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो सबसे पहली बात ये लिखो क्या कि व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड, जब डाइपोल को रोटेटेड किया जाएगा एक्सटर्नल एजेंट से बाय एक्सटर्नल एजेंट, देन जब डाइपोल को हम घुमाएंगे कोई बाहरी लोग आकर घुमाएगा, देन द पोटेंशियल द वर्क डन बाय एजेंट, द वर्क डन बाय एजेंट गेट स्टोर्ड इन डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यस, समझ गया होगा? नहीं समझ गया ना, हमने काम किया, मेरा ऊर्जा उसमें चला गया, उसका एनर्जी बढ़ गया। तो चलो भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करना है, देन ध्यान सुनो, एनर्जी और एनर्जी का कोई सेपरेट फार्मूला नहीं है, आप ये फिजिक्स में अक्सर सुने होंगे, उसका फार्मूला वर्क से ही काम होता है, एनर्जी का कोई अलग फार्मूला नहीं है, वर्क का डेरिवेशन करो, वर्क को एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है ना, पता ही होगा। तो हम लोग वर्क का ही डेरिवेशन करके काम चलाने वाले हैं, ठीक है, नोट कर लिया आपने? तो देखो आगे क्या है, देन फॉर पोटेंशियल एनर्जी we have to calculate work done, हम लोग को work done निकालना पड़ेगा, ठीक है, work done, तो change in potential energy निकल जाएगा, कितना energy बदला। देखो हम लोग कभी भी energy exact energy नहीं निकाल सकते हैं, change निकाल सकते हैं, क्योंकि हमेशा हर वस्तु में पहले से कुछ energy होता है। अभी मेरे हमारा energy 100 हो गया, बताओ कितना energy हमने प्राप्त किया बाहर से, हमको क्या पता यार 100 प्राप्त किया, नहीं, क्योंकि हमें जीरो एनर्जी थोड़ी होगा यार, मेरे पास कुछ तो पहले से होगा, अगर 20 है तो 80 हमने प्राप्त किया, समझ रहा होगा ना, यानी एनर्जी में हमेशा चेंज निकलता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकलेगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सुनो अगर सुनने नहीं जानते तो सुन लो क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी याद रखना इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स यानी जो भी फोर्स यहां पे लग रहा है वो कंजर्वेटिव है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या टॉर्क। तो अब देखो वर्क डन निकालना है तुमको, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो वर्क डन निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम पहले वर्क डन निकालेंगे, ये चीज समझा। तो चलो वर्क डन कैसे निकलता है, तो डी डब्ल्यू से निकलेगा। हाँ, ऐसा एक बात लिखो, इफ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा, ऐसा क्यों, क्योंकि हम डाइपोल को जीरो में नहीं रखे, 90 में रखे, 90 स्टैंडर्ड पोजीशन माना जाता है, थीटा वन से थीटा टू भी कर सकते हैं यार, कर सकते हैं, लेकिन अपन नहीं कर रहे, 90 से कर रहे हैं, क्यों 90 से कर रहे हैं, क्योंकि 90 से उसके पास पहले से कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, फिर और कुछ घुमा दिए, देखो प्लस में एंगल लिए, यानी कौन सा डायरेक्शन घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज। चलो तो वर्क डन निकालते हैं डब्ल्यू, पहले सॉरी डी डब्ल्यू निकलेगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू कैसे निकलेगा, टी टाउ इंटू डी थीटा, तो W कैसे निकलेगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ tau into d theta लिमिट 90 डिग्री से थीटा तक, tau का वैल्यू डाल दो, ये सब रिपीट हो रहा है इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्या आएगा PE sin theta into d theta 90 से थीटा, फिर dW मतलब W, P बाहर sin theta का इंटीग्रेशन माइनस cos theta 90 से थीटा, जब माइनस आए तो पहले लोअर लिमिट रख दो, यानी P cos 90 माइनस cos थीटा, cos 90 कितना होता है बच्चों जीरो, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा P ये जीरो माइनस cos थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा माइनस PE cos थीटा, देखो निगेटिव वर्क डन आना भी चाहिए। ओके, नाउ
अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बताओ, याद रखना इसको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय और कंजर्वेटिव फोर्स, यहां एकच फोर्स का बात कर रहे हैं हम लोग, यानी डेल्टा यू कितना निकलेगा, माइनस पीई कॉस थीटा, याद रखना इतना एनर्जी चेंज हुआ उसका, पहले कुछ एनर्जी था इतना आप बदल गया, ठीक है, ओके यस। अब इसमें भी स्पेशल केस पढ़ सकते हो तुम, पढ़ा दे, तो अभी हम तुमको बताए थे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जब डाइपोल को ऐसे रख दो, अनस्टेबल माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इधर पी हो गया और इधर ई, यानी पी और ई एक ही दिशा में हो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम इसको ऐसे घुमा के रख दे तो पी इधर चला गया और ई इधर, अब ऐसा नहीं हो सकता, अब ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड घुमा के इधर तुरंत फटाक से फेंक देगी उठा के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल के मोमेंट के डायरेक्शन को ई के तरफ करना चाह रही है, घुमा के इसको तुरंत घुमा के इधर फेंक देगी, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एनर्जी से भी पता चलता है, देखो बच्चों कैसे, अभी हम तुमको बता रहे हैं, ध्यान से देखना, देखो स्पेशल केस पढ़ो तो क्लियर होगा थोड़ा सा, देखो स्पेशल केस में वन, कि इफ इफ डाइपोल इज रोटेटेड टू जीरो डिग्री, एंड अगर डाइपोल को जीरो पे ले गए, कहां से 90 से ले गए हमेशा याद रखना, तो चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस पीई कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना होता है वन, माइनस पीई, ये मिनिमम है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा, इफ डाइपोल इज रोटेटेड टू 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमा दिया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस 180, कॉस 180 होता है माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन, यह हो गया मैक्सिमम। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से फील करो, इसमें क्या हुआ आपके, आप बताओ, आप इक्विलिब्रियम मतलब बता भाई, स्थिर रहना है, समझो फील करो, अनइक्विलिब्रियम मतलब अनस्थिर, हिलते रहो भाग जाओ, ओके। अब बताओ तुम्हारे पास, तुम्हारे जेब में पैसा नहीं रहेगा तुम स्थिर रहोगे कि पैसा बहुत रहेगा तो स्थिर रहोगे, ऑब्वियसली नहीं रहेगा, पैसा मतलब एनर्जी, यानी इस डाइपोल के पास जब एनर्जी मिनिमम है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा, क्यों भाई एनर्जी कम है, कम है तो कहां जाएगा, वो है नहीं एनर्जी उसके पास ज्यादा, भैया बहुत एनर्जी आ गया, अब ये उचकेगा इधर उधर भागेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही कवर बंद करने वाले हैं अपना लेक्चर, क्यों भाई, क्योंकि होने वाला है लेक्चर बड़ा, और हमने करा दिया तीन डेरिवेशन, पिछली बार दो कराए थे, इस बार तीन नहीं, पिछली बार भी तीन कराया था, एक्सियल पे, इक्विटोरियल पे और बीच में, इस बार भी तीन, पता है तीन डेरिवेशन करने में क्लास में तीन पीरियड लगते थे, यहां ऑनलाइन में क्या मस्त बेनिफिट मेरे को मिल रहा है यार, क्यों, क्योंकि तीन लेक्चर हम एक शॉट में निपटा रहे हैं, कैसे, क्योंकि हम इरेज करने का टाइम में पॉज कर लेते हैं, हम हेडिंग लगाने के टाइम में पॉज कर लेते हैं, बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, आपको कॉपी करने का भी टाइम नहीं मिलता है, आप वीडियो पॉज करके कॉपी करते हो, क्लास में तो लिख के बैठे रहो, बच्चे छाप रहे छाप रहे। चलो कोई बात नहीं है, दिल की बात कर दिया हमने, तो आगे बढ़ने से पहले अब हम करते हैं अलविदा, तो मिलेंगे अगले एपिसोड में इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स 07 में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे, गुड लक।